दोस्तों अभी अभी मैं तानाजी देखकर बाहर आया हूँ। फिल्म खत्म होने के बाद में मैं 10 मिनट तक शांत बैठा रहा सीट पर, क्योंकि उस समय मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। पूरे थिएटर में जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय के नारों से पूरा थिएटर गूंज रहा था आखिरी आधे घंटे में। मैं आपको बता नहीं सकता मेरा एक्सपीरियंस। अगर इस फिल्म को आपने मिस किया ना, तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपने टिकट बुक नहीं किया है अभी तक तानाजी का, तो अभी इस वीडियो के खत्म होने के बाद में तुरंत आप बुक माई शो खोलिए, पेटीएम खोलिए, जैसे भी करिए आप टिकट बुक करिए, पूरे परिवार के साथ देखने जाइए, और कम से कम अपने 10 दोस्तों को आप ज़रूर अपने साथ में लेकर के जाना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसे कुछ भी समझिए, पर कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ में, पूरे परिवार के साथ में आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। और यकीन मानिए, एक बार आप इस फिल्म को देखेंगे ना, तो दोबारा आप इस फिल्म को देखने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। देखिए, हमारे चैनल पर जिस फिल्म का मैंने सबसे पहला रिव्यू किया था, बाहुबली, सबसे पहला रिव्यू हमारे चैनल पर वही था। और उस रिव्यू में मैंने कहा था कि वो फिल्म 1000 करोड़ ज़रूर कमाएगी, और फिल्म ने 1500 करोड़ से भी ज़्यादा कमाए। आज मैं कह रहा हूँ तानाजी 500 करोड़ से ज़्यादा ज़रूर कमाएगी। अकेले महाराष्ट्र में ही 100 करोड़ से ऊपर ये फिल्म कमाएगी, और हो सकता है 150 करोड़ से भी ऊपर ही अकेले महाराष्ट्र में ये फिल्म जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, आप इस फिल्म को मिस नहीं कर सकते। मतलब मैं बता नहीं सकता मेरा एक्सपीरियंस का क्या है। मैं पूरी फिल्म के दौरान मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इस फिल्म को आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। मैं कैसे आपको कन्विंस करूं, मैं क्या कहूं आपको, मैं समझ नहीं रहा हूं। पर प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी इस वीडियो के ख़त्म होते ही आप टिकट बुक करिए। अगर आप ये फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों को प्रेरित करिए, उनको भी साथ में लेकर के जाइए, सभी को कहिए कि अपने पूरे परिवार के साथ में इस फिल्म को ज़रूर देखें। दोस्तों, बाकी बातें मैं हमारे रिव्यू में करूँगा ही, जब मैं फुल रिव्यू अपलोड करूँगा, पर प्लीज़ टिकट बुक करिए, इस फिल्म को आप मिस नहीं कर सकते। अजय देवगन जी, आपको दिल से सल्यूट है, बहुत बहुत धन्यवाद अजय देवगन जी, दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आपका पैसा सही जगह जाना चाहिए, आपको तय कर, अगर सज्जनों के पास में हमारा पैसा जाएगा, तो ऐसी फिल्में हमें और भी देखने को मिलेंगी। और अजय देवगन जी की ये फिल्म डिजर्व करती है कि ये 500 करोड़ कमाए, और उनकी जो अनसंग वॉरियर्स की आने वाली सीरीज़ है, ताकि वो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखे, और भी ऐसे कई सारे महापुरुषों की, वीर योद्धाओं की गाथाओं को, वीर गाथाओं को भी हमारे सामने लेकर के आए। इसलिए इस फिल्म का पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। अब आपको तय करना है कि जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा को फांसी देने वालों का, जिन्होंने दंतेवाड़ा में छत्र जवान शहीद होने के बाद में जिन्होंने जश्न मनाया था, जिन्होंने आतंकवादियों की बरसी मनाई थी, जो समाज में नफरत और जहर फैला रहे हैं, आतंकवाद का समर्थन करते हैं, पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं, आतंकवादियों की बरसी मनाते हैं, ऐसों का जिन्होंने साथ दिया, ऐसों के साथ में जाकर जो खड़े हो गए, क्या आपको उनका समर्थन करना है या फिर अजय देवगन जी का? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अभी टिकट बुक करिए और तानाजी देखने जाइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।